हम लोग सुप्रीम कोर्ट को समझ रहे थे कि न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ गरीबों को भी न्याय मिलता है, लेकिन आज यह विश्वास टूट गया। सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मामले की सुनवाई को सुनकर कुछ बोल पाए, क्योंकि उनकी माँ किस तरीके से टूटी है हर कोई जान रहा है। एक भाई था वो भी पूरी तरह से टूट चुका है, जेवर सेवर बिकी गया, सब कुछ बिकी गया, वह जेल में है ही। माँ बाप का जो जो टुक्का भर, इस देश के सैनिकों को टुकड़ी भर पैसा मिलता है, उससे जीवन यापन कराना मुश्किल होता है, इतना ही पैसा मिलता है। तो अब जो बाकी घर द्वार भी देख ही रहे हैं, खपड़े का घर है, खेती बाड़ी की स्थिति है ही, अब वह बेच के और फंसरी लगा के लटक जाए, अब उनके पास क्या रास्ता है? अब बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि मैंने वह उसकी खेती बाड़ी, माँ के पास जेवर सब कुछ, भाई सड़क पर आ गया, माँ सड़क पर आ गई, रोते रोते उसकी आँखें पथरा गई, अब उसके पास विकल्प क्या है? कहाँ मिलेगा न्याय? क्या है, क्या मनीष कश्यप ने जिस वीडियो को डाला था वह पेपर में नहीं निकला था? तो अपराध यह है कि देश की सेवा करना अपराध है, समाज का सेवा करना अपराध है। दोष यह है कि आप निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष होके काम मत करिए। अगर निष्पक्ष होके आप किसी पद पे रह के, चाहे वह उसके पिताजी बॉर्डर पे रह के निष्पक्ष हो और चाहे मनीष कश्यप जमीन पे निष्पक्ष हो, पक्ष में रहने में ही भलाई है। किसी पार्टी को पकड़ लीजिए, आज मनीष कश्यप लालू यादव के पार्टी के साथ उनकी चमचाई करता होता, उनको सांडा का तेल लगा के लगाता रहता तो वो भी ठीक रहता। अब तो उठ जाइए, अगर जमीर हो आपके तन में, एक आपका बच्चा था जो आपके लिए लड़ रहा था, उसको यह व्यवस्था रगड़ रही है, मिटाने का प्रयास कर रही है, आप तो उठ के खड़ा हो जाएंगे तो गरीबों की बात भगवान भी सुनता है। तो उठ के खड़ा हो जाइए बिहार वासियों, हाथ जोड़ रहा हूँ, कम से कम खड़ा होके और अपने विधायक, अपने सांसद और अपने जो नेता हैं उनके मुंह में इस तरह से कालिख पोतना शुरू करिए कि कम से कम वह जाके अपनी सरकारों को कहे कि भाई मुकदमा वापस लो और उस आदमी को जेल से निकालो। यही निवेदन करूँगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। देखिए, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है मनीष कश्यप के मामले में, उस पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर पांडे जी मौजूद हैं। क्या बोलेंगे जिस तरीके से सुनवाई हुई है आज? बहुत पीड़ा है, उम्मीद नहीं था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को समझ रहे थे कि न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ गरीबों को भी न्याय मिलता है, लेकिन आज यह विश्वास टूट गया। एक गरीब होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट में गरीबों को न्याय मिलता है, ये विश्वास खत्म हो गया मेरा। मैं व्यक्तिगत जितना पढ़ा लिखा हूँ, जितना समझ है मेरी, जितनी जानकारी है, आज यह विश्वास टूट गया कि सुप्रीम कोर्ट में गरीबों को न्याय मिलता है। ये मिथक है, झूठ है, सरासर झूठ है, मैं कतई नहीं मानता। नहीं तो इतना दिन लटका के रखने का क्या मतलब है? पहले दिन ही कह देते। इतने बड़े बड़े वकीलों को घर द्वार जोर जमीन जेवर सब कुछ बेच के और ला के और झोंक दिया कि हमको न्याय मिलेगा, और उसको लाके आप सड़क पे खड़ा कर दें। मनीष कश्यप के परिवार वालों ने भी पैसा लगाने में पीछे नहीं हटे, जितना था, जितना सेविंग था, सब कुछ था, लोग लगा दिए, बदले में क्या मिला? तोड़ दिए ना, तो जानते थे ना कि ये पिद्दी भर आदमी है, पहले इसका खाता सील कर दो, उसके बाद से इसके पास, इसका बाप बॉर्डर पे रहता है, इसके पास पैसा तो होगा नहीं। तो अपराध यह है कि देश की सेवा करना अपराध है, समाज का सेवा करना अपराध है। दोष यह है कि आप निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष होके काम मत करिए। अगर निष्पक्ष होके आप किसी पद पे रह के, चाहे वह उसके पिताजी बॉर्डर पे रह के निष्पक्ष हो और चाहे मनीष कश्यप जमीन पे निष्पक्ष हो, पक्ष में रहने में ही भलाई है। किसी पार्टी को पकड़ लीजिए, आज मनीष कश्यप लालू यादव के पार्टी के साथ उनकी चमचाई करता होता, उनको सांडा का तेल लगा के लगाता रहता तो वो भी ठीक रहता, या वो जेडीयू को तेल लगाता तो ठीक था, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता तो ठीक था। उसका दोष इतना है कि वह निष्पक्ष होके आम लोगों को, गरीबों के साथ जो होगा उसके साथ यह पार्टियां नहीं है। निष्पक्ष मत होइए, एक के साथ रहिए ताकि बैकअप आपको मिलता रहे और आपको मदद मिलती रहे। यही हमने देखा। देखो, जो दिल की बात है, मन की बात है, वो आपके सामने। परिवार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मामले की सुनवाई को सुनकर कुछ बोल पाए, क्योंकि उनकी माँ किस तरीके से टूटी है हर कोई जान रहा है। एक भाई था वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। अब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आप तो समझ ही सकते होंगे, क्या बोलेंगे? अब यही ना न्याय है कि घर बिकवा दीजिए, बाकी तो खेत बाड़ी बंधक हो ही गया, जेवर सेवर बिक ही गया,
सब कुछ बिकी गया, वह जेल में है ही, माँ बाप का जो जो टुक्का भर इस देश के सैनिकों को टुकड़ी भर पैसा मिलता है उससे जीवन यापन कराना मुश्किल होता है, इतना ही पैसा मिलता है। तो अब जो बाकी घर द्वार भी देख ही रहे हैं, खपड़े का घर है, खेती बाड़ी की स्थिति है ही, अब वह बेच के और फंसरी लगा के लटक जाए, दूसरा क्या है। तो क्या फिर इस तरीके से इस देश में रहना कोई रह पाएगा? जी उपाय तो यही है, मैंने लो जो दिखाई दिया हमको, भले हमारे ऊपर भी एनएसए लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या कहना अपराध है। एनएसए को लेके क्या बोलेंगे, मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा दिया गया है, उसको लेकर आज कुछ उम्मीदें थी। वो हमारे ऊपर भी लग सकता है, कोई वही कह रहा हूँ कि जो सत्य बोलेगा, जो अपनी वेदना गरीबों की बात उठाएगा, जो मनीष कश्यप की समस्या को उठाएगा, उसके ऊपर एनएसए लग सकता है, मेरे ऊपर भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन क्या विकल्प है हमारे पास, अब उनके पास क्या रास्ता है? अब बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि मैंने वह उसकी खेती बाड़ी, माँ के पास जेवर सब कुछ, भाई सड़क पे आ गया, माँ सड़क पे आ गई, रोते रोते उसकी आंखें पथरा गई, अब उसके पास विकल्प क्या है, कहाँ मिलेगा न्याय, क्या है? क्या मनीष कश्यप ने जिस वीडियो को डाला था वह पेपर में नहीं निकला था? नहीं निकला था। मनीष कश्यप बिहार के लिए नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे, आगे आते रहे। तो क्या आज उन सभी भाइयों का हक नहीं बनता, भाई बहनों का, कि मनीष कश्यप के लिए आगे आए? यही तो दोष है, गरीब गरीब के साथ नहीं खड़ा होता। गरीब को भी लालू यादव चाहिए, जो बड़े बड़े नोट और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े काफिले और बड़ा बड़ा सिस्टम हो, उसके साथ गरीब खड़ा होता है। गरीब अगर गरीब के साथ खड़ा होता तो कोई गरीब नेता नहीं होता, करोड़पति और अरबपति नेता होते। आप नहीं समझ रही हैं, यह दोष हमारा है कि हम गरीब, एक गरीब के साथ नहीं खड़ा होता है, यह सच्चाई है। एक गरीब वाला साइकिल से वोट मांगने आएगा, वोट देगा गरीब? उसको भी फार्चूनर वाला चाहिए, भले वो फार्चूनर किस तरह से कमा के और किस तरह से फार्चूनर से घूम रहा है, कितना डकैती किया है, कितना लूट किया है, कितना अपहरण किया है, तो दोष हमारा भी है। जाते जाते सभी लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब तो उठ जाइए, अगर जमीर हो आपके तन में, एक आपका बच्चा था जो आपके लिए लड़ रहा था, उसको यह व्यवस्था रगड़ रही है, मिटाने का प्रयास कर रही है, आप तो उठ के खड़ा हो जाएंगे तो गरीबों की बात भगवान भी सुनता है। तो उठ के खड़ा हो जाइए बिहार वासियों, हाथ जोड़ रहा हूँ, कम से कम खड़ा होके और अपने विधायक, अपने सांसद और अपने जो नेता हैं उनके मुंह में इस तरह से कालिख पोतना शुरू करिए कि कम से कम वह जाके अपनी सरकारों को कहे कि भाई मुकदमा वापस लो और उस आदमी को जेल से निकालो, यही निवेदन करूँगा। तो आपने देखा किस तरीके से सुधीर जी का साफ तौर पे यही कहना है कि आप लोग उठ जाइए, जाग जाइए और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मनीष कश्यप को लेकर, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।